सब हर चीज़ जब हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इसे थेरेपी कह रहे हैं, हर चीज़ हर थेरेपी का एक मैकेनिज्म होता है, तो प्लाज्मा थेरेपी का मैकेनिज्म यानी कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है? तो प्लाज्मा थेरेपी जो होता है, इट्स सिमिलर टू अ ब्लड डोनेशन। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे। वो ब्लड में से फिर रेड सेल्स को निकाल के वो प्लाज्मा निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। ऑफकोर्स जो यूजुअल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो लेने पड़ते हैं, जो स्टैंडर्ड वायरसेस है कि वो ब्लड में HIV इन्फेक्शन नहीं हो, वो हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन नहीं हो, वो सब टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हर ब्लड बैंक में टेस्ट किया जाता है साधारण प्रमाण पे। तो उसको फिर प्लाज्मा को सेपरेट करने के बाद उसमें एंटीबॉडीज़ मेजर किया जाता है और टेस्ट अवेलेबल है, जिससे कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उसे मेजर किया जा सकता है। और वो मेजरमेंट के हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कितना प्लाज्मा देना है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।